यूट्यूब पे हर रोज वीडियो डालने से क्या होता है, ये कमेंट बार बार परेशान कर रहा था, तो सोचे इसी पे आज वीडियो बनाता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है। आपको कौन सी टॉपिक चाहिए वो भी बताइएगा, आज मैं पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। पर डे हर रोज वीडियो डालने से क्या होता है और क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए यूट्यूब पे वीडियो जो डालते हैं उसके फायदे क्या हैं और उसके बाद बताएंगे नुकसान क्या है, तो आप अच्छा से समझिएगा। पहला फायदा क्या है ये चीज समझिए। पर डे अगर वीडियो डालते हैं, जैसे जितना न्यू यूट्यूबर के लिए खास के, जितना वीडियो डालोगे उतना इंप्रेशन आपकी बढ़ेंगे, ऐसा क्यों ये चीज समझिए। जैसे आपकी वीडियो डाले हैं, आपका वीडियो किसी ने देखा, एक वीडियो डालोगे, अगर न्यू यूट्यूब चैनल है तो आपकी जितनी भी वीडियो है उस पर इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यूट्यूब चलता है क्या पे, वो चीज समझ लीजिए। ये क्यों देखेगा, यूट्यूब चलता है कुकीज पे, कुकीज क्या है वो भी समझ लीजिए। कुकीज ये है, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करते हैं। अगर आपने एक वीडियो पूरा देख लिया तो यूट्यूब कुकीज बताएगा जो भाई इस कैटेगरी का ये वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपके जितने भी रिकॉमेंड में आएगा ना यूट्यूब पे, जितने भी शो पे आएगा, होम पेज पे आएगा, वो देखिएगा उसी कैटेगरी के ज्यादातर आएंगे। तो यूट्यूब को क्या होता है, कुकीज से पता चलता है आप देखना क्या चाहते हो, तो उस तरीके से यूट्यूब को पता चल जाता है। तो वही कुकीज बताता है जो भाई इसके वीडियो ये देखने में पसंद है, पूरा वीडियो आप देखते हो तो वो आप क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जितने भी आपके वीडियो हैं वो रिकमेंड में आपको भेजने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अगर 50 वीडियो है तो उसको 50 इंप्रेशन जाएंगे, और जितना इंप्रेशन जाएंगे तो आपकी चैनल ग्रो होने की संभावना बढ़ जाते हैं। ये पहला फायदा होता है। सेकेंड फायदा क्या है ये देखिए। फायदा ये है, अगर आपने एक वीडियो देखा, अगर मान लो हमने 100 वीडियो बनाए या 150 वीडियो बनाए या 200 वीडियो बनाए, आपके पास 200 वीडियो गया, 200 इंप्रेशन गया, तो आप देखोगे तो उससे क्या फायदे होंगे, अगर 200 में से 50 वीडियो भी आप देखते हो तो आपकी व्यू भी बढ़ रहेगा, वॉच टाइम भी बढ़ जाएंगे और वो सब्सक्राइब आपकी लाइफ टाइम रहेंगे, और उससे क्या होगा, आप जो हर रोज वीडियो डालिएगा तो कंटिन्यू आपकी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपकी हर वीडियो वो देखना पसंद करेंगे, इस तरीके से क्या होगा आपकी चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज क्या होता है आप समझिए। एक होता है आपकी वीडियो पे इंप्रेशन इस तरीके से तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ में बहुत सारे मेंबर हैं, दो तरीके के यूट्यूबर होते हैं। एक क्या होते हैं हर रोज वीडियो डालने वाला, एक होते हैं बहुत डे पे वीडियो डालने वाले हैं। और ये डिपेंड क्या करता है आप कौन सी चैनल कैटेगरी पे हैं। बहुत सारे मेंबर को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कॉमेडी के, ठीक है, कॉमेडी में क्या होते हैं आप पर डे वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि उस पर 2-3 दिन तो आपको लग ही जाएगा, शूटिंग में हो जाए, उसके बाद एडिटिंग में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। और दूसरा चीज क्या है, जैसे हम सब टेक वाले हैं, ब्लॉगिंग वाले हैं, ये पर डे भी डाल सकते हैं। तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे चीजें, जो आप किस कैटेगरी पे डाल रहे हैं, तो पर डे डालने से ये भी फायदे होते हैं। दूसरा चीज क्या है, जब आप पर डे वीडियो डालते हो, यूट्यूब को लगता है भाई ये हमारा लगातार कस्टमर है, और वो अपने कस्टमर को क्या करेंगे, आगू पुश करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छा भी नहीं है ना तो वो पुश करेगा, रिकमेंड ज्यादा भेजेगा, आपकी जो है ना इंप्रेशन ज्यादा भेजेगा। जब इंप्रेशन भेजेगा तो ऑटोमेटिक व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, आपकी चैनल ग्रो होंगे, तो एक ये फायदा होता है। दूसरा चीज क्या होता है, आप देखो बहुत सारे मेंबर भी क्या बोलते हैं, पर डे डालने से व्यू बढ़ता है, ऐसा है क्या, ये कोई चीज नहीं है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मनोज दे टेक चैनल है, वो पर डे वीडियो डालते हैं, उसकी 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके व्यू कितने आते हैं, कभी 2 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 60 हजार। वही 5 मिलियन में आप देख लो गुड्डू ब्लॉग का देख लो, या दूसरे की देख लो, ब्लॉगिंग का देख लो, या किसी दूसरे का देख लो, जिसकी कॉमेडी है या दूसरा कैटेगरी का है, उसकी 5 मिलियन है, उसका देखोगे तो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा, जो पर डे जो वीडियो डालता है वो ज्यादा कमाई करता है, और जो अति करता है वो कमाई नहीं करता है। भाई ऐसा नहीं है, आप 5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आप 5 मिलियन व्यू लेके आ गए, मान लो 1 मिलियन व्यू लेके आ गए, ठीक है, सप्ताह में, एक सप्ताह में 1 मिलियन व्यू लेके आए, तो आपकी उतनी इनकम हुए। और मनोज दे क्या करेगा, पर सप्ताह एक एक वीडियो डालेगा, तो उसमें क्या होगा, आप दोनों का कंबाइंड समझिए भाई, उसकी 1 मिलियन पे
व्यू पे आया और ये सप्ताह में पर डे डालता है तो 7 दिन हुआ, तो 200 के भी आ रहा है तो कितना हो गया 14 के, 10 1400 के, आप समझ सकते हैं वहां पे 1000 के एम पे 1 मिलियन होता है, उससे ज्यादा कमाया है कम कमाया। तो व्यू पे भी जो है ना कमाने का चीज तो व्यू पे है, व्यू किसी का भी ज्यादा आ सकता है, पर डे जो डाल रहा है वो भी और जो सप्ताह में डाल रहा है वो भी। आपको ये देखना पड़ेगा आप किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, आपकी क्वालिटी कंटेंट क्या है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारा चीज यही पे मैटर नहीं समझता है, फिर समझता है भाई कमाई नहीं हो पाया। तो होप आप समझ गए होंगे, न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको पर डे डालना ही चाहिए, हो सके तो 2 भी डाल दो चलेगा, जितने भी न्यू यूट्यूबर है। और जब आपकी बेस फैन बेस अच्छा वीडियो चलने लगे तब तो आप 10 भी डालो, 5 भी डालो तब भी चलेगा, 1 भी डालो तब भी चलेगा, मंथली की भी बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए न्यू यूट्यूबर हैं तो आप इस पे फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और समझिए। और हाँ, इस वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।